गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज फ्रेंड्स बैसाखी का दिन है और आपको, आप सभी को बैसाखी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज मॉर्निंग का व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टाइम जो है 7 बजे के आसपास हुआ है और आज 13th अप्रैल है, तो धूप भी लग गई है हल्की सी और काफ़ी अच्छा वेदर है आजकल। और गर्मी थोड़ी सी हो गई है, नहीं तो पिछले कुछ दिनों से बस बारिश धूप ऐसा ही था। अब कुछ दिन से थोड़ी सी धूप आना शुरू हो गई है। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, और ब्रेकफास्ट में आज बस चीले बनाए थे, आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर किए हैं। सिंपल से बनते हैं और हिमाचल की डिश है। चाहे तो इसे आप घी के साथ खा सकते हैं, चाहे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सॉस वगैरह चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं। और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है और झटपट से भी बन जाते हैं। तो आज सोचा कि चलो चीले बनाए जाएँ। तो बेसन के भी बनते हैं, नॉर्मल आप आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें कस्तूरी मेथी वगैरह ऐड कर दिया था और काफ़ी यम्मी बने थे। तो काफ़ी दिन से आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे अपने लिविंग एरिया में दीवान पे जो गलीचा है वो हटाना है। तो आज मैंने लिविंग एरिया को थोड़ा नया लुक दे दिया है, वाइट थीम दी है और वाइट कलर का ही है बेडशीट और सोफा कवर। आपको दिखाती हूँ। तो आज बैसाखी वाले दिन सोचा कि चलो थोड़ा सा सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो गलीचा वगैरह हटा दिया है मैंने, यहाँ पे ये लाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है और बहुत अच्छी लग रही है। अब समर्स आ गए हैं तो समर्स में इस तरह की बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती हैं। और मैंने अपने लिविंग रूम को थीम दी है वाइट, और तो वाइट और थोड़ा सा क्रीम कलर। तो सोफ़ा कवर भी मैंने नया चढ़ा दिया था वाइट कलर में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो समर्स में इस तरह के कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं, ब्राइट से कलर। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी, पर अब थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है तो सोचा कि चलो आज बैसाखी वाला दिन भी है तो रूम का थोड़ा सा रिनोवेशन किया जाए। तो गाइस क्वारंटाइन के टाइम में सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कैसे सेल्फ केयर करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होममेड फेस पैक इस तरह से बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है और इसमें 2-3 ड्रॉप्स एलोवेरा जेल के ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर रही हूँ। और पैक थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो उबतन आता है बटना और वो ले लिया है थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के अराउंड। और साथ ही साथ इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं इस तरह के। और ये थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में आते हैं, तो आप चाहें तो पतंजलि के भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं फेशियल सीरम यूज़ कर रही हूँ 1-2 ड्रॉप्स के अराउंड, और अच्छे से फिंगर की हेल्प से इसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया था तो सोचा कि चलो थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये उबतन ऐड कर लिया है ताकि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी बन जाए, और ये रेडी है। आप चाहें तो इसमें टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है। और इसी के साथ मैं इसे अब अप्लाई कर दूँगी अपने फेस पर अच्छे से, फिंगर की हेल्प से ही कर रही हूँ। फिंगर से अच्छा ब्लेंडर कोई है ही नहीं, तो फिंगर से आप अच्छे से स्प्रेड कर देना है आपको इसे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind.
gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be. तो इस तरह के फेस पैक फेस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, स्पेशली जो होममेड होते हैं। तो आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसे आपको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप फेस वॉश आउट कर सकते हैं। इसके बाद लंच के लिए आ गई थी मैं प्रिपरेशन के लिए। आज बन रहे थे पूरी और छोले। तो अभी टाइम जो है वो 11:30 के करीब हुआ था, तो सोचा कि चलो आज जल्दी बना देते हैं, और पूजा भी करनी थी। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब बन चुका है, बस ये छोले बनाने को थे। थोड़े से ड्राई ड्राई से बना रही हूँ, ग्रेवी वाले नहीं बना रही। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर ली है, और ये छोले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो पूरी वगैरह ऑलरेडी तल दी थी, तो यहाँ पे पूरियाँ भी रेडी हैं। और यहाँ पे प्रसाद भी बन चुका है, तो ये सूजी का हलवा बनाया है प्रसाद में। इसके बाद हमने पूजा वगैरह कर ली थी, और यहाँ पे मम्मी थाली लगा रहे हैं, और ये गाय के लिए थोड़ा सा निकाल दिया है साइड में। तो इस तरह से प्लेट बन चुकी है, और काफ़ी यम्मी बने थे। तो कभी कभी अच्छे लगते हैं इस तरह का कोई डे होता है, बैसाखी या कुछ और। तो इसके बाद गाइस आपके साथ शेयर कर रही हूँ DIY टेबल रनर। बहुत इजी है बनाना, सिंपल से फैब्रिक से बना रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें मैंने लेस ऐड की है थोड़ा सा, इसको और अच्छा बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और ये थोड़ा सा जो टेबल है वो मिरर वर्क में है, तो इस तरह से पूरा बिछाना सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने इस तरह से इसे रनर टाइप में बना दिया। और यहाँ पे क्यूट सा पॉट और DIY जो आपके साथ स्टोन आर्ट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो कुछ इस तरह से लग रहा है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये टेबल रनर। और यह सक्यूलेंट प्लांट है, आपके साथ शेयर किए थे। तो गाइज ये टेबल रनर ऐड करने के बाद बहुत सुंदर ही लग रहा है, अलग ही लुक आ गया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लेस इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। इसके बाद गाइज लंच वगैरह कर लिया था हमने, और थोड़ा बहुत जो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के थे वो कर दिए थे। और अभी इवनिंग का टाइम हुआ है, तो लंच करने के बाद आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है DIY जो टेबल रनर था, जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। सिंपल से फैब्रिक से बनाया है, और बहुत अच्छा बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं, किचन जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम जो है वो 6:00 के अराउंड हुआ है, और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय भी बन चुकी है। इसके बाद गाइस हम बाहर बैठ गए थे बालकनी में चाय पीने, और इवनिंग का टाइम है तो बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो यही है आज के लिए फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।